जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम दोस्तों के इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ। यकीन जानिए आपने बड़ी मोहब्बत फरमाई और दुआओं से नवाजा आपने, जज़ाकअल्लाहु तआला खैरा। मेरे एक बड़े ही प्यारे भाई हैं, उनके मुझे मैसेज आए, माजिद अली गालबन उनका नाम है, तो मुझ तक उनकी बात पहुँची। वो बार बार कह रहे थे कि जी आप अपनी आवाज़ में अज़ान सुनाएं हमें और अज़ान को जो अपलोड करें आप। तो उनका काफ़ी मर्तबा मैसेज आया है भाई माजिद अली साहब का, देर होने की वजह से मैं माजरत ख्वाह हूँ, मुझ तक मैसेज देर से पहुँचा है। तो मैं अभी आपकी उस फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करता हूँ, तो एक दो अंदाज़ के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि अज़ान आपके सामने सुनाऊँ। इसमें मेरे लिए तो बड़ी सआदत की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम जो है वो मेरी इस ज़बान से निकलेगा। मन आनम के मन दानम, मैं तो कुछ नहीं हूँ, ये उन्हीं की करम नवाजी है, उन्हीं का ही फ़जल है कि अपना नाम लेने की हमें तौफीक अता फरमा रहे। तो मैं अज़ान जो है वो आपको सुनाता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله माजिद अली साहब की फरमाइश पूरी हो गई। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको कबूल फरमाए और अपना नाम लेने की इसी तरह हम सबको तौफीक अता फरमाता रहे। एक और अंदाज़ भी मैं अंदाज़
अजान का वो आपके सामने अर्ज करने की कोशिश करता हूँ। अजान दूसरा अंदाज, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على البلاء، حي على البلاء، لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اور خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ سب پر اللہ رب العزت اپنا خصوصی کرم اور فضل فرمائے، اور تمام مسلمانوں کی اللہ رب العزت جو ہے حفاظت بھی فرمائے اور سب پر کرم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.